अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जन्नत राहिल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूं बायो ऑयल का। बायो ऑयल क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके हमारी स्किन के लिए क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और इसकी प्राइस क्या है, सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में इस वीडियो में शेयर करूंगी। बायो ऑयल जो है वो अमेरिका का नंबर वन सेलिंग मल्टी यूज़ स्किन केयर ऑयल है। इसको 2002 में 126 स्किन केयर अवार्ड भी मिल चुका है। ये ऑयल क्या है, ये किस तरीके से हमारी स्किन पे काम करता है, कौन कौन से स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी। आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप नहीं मिस करना है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात करेंगे। तो ये 60 ml की जो है वो बॉटल है। बाहर जो इसकी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है वो वाइट एंड ऑरेंज कलर की है। इसके अंदर जो बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट है और इसमें जो ऑयल है वो ऑरेंज सा नज़र आता है। अब ये बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है और ये प्रोडक्ट किस लिए यूज़ किया जाता है। ये प्रोडक्ट जो फेमस है इतना ज़्यादा और क्यों इतना फेमस है, ये प्रोडक्ट ज़्यादातर स्ट्रेच मास्क की वजह से फेमस है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान या फिर किसी एक्सरसाइज की वजह से आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं तो आप उस पर बायो ऑयल को रेगुलर यूज़ करो तो आपके स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने में ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और ये फेमस भी स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने की वजह से है। इसके अलावा अगर आपकी अनइवन स्किन टोन है उसको टोन में लाने के हेल्प करता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, आपके रिंकल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है और डिहाइड्रेटेड जो स्किन है उसको हाइड्रेट करने में जो है वो ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा जो है आप इसको अपने स्कार्स पे, एक्नी पे या अगर आपको कोई ज़ख्म है उसका निशान है तो उस पे भी आप इसको लगा सकते हो। इस ऑयल को आप बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं और इस ऑयल को आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके फेस पे यूज़ करने के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं। उसके अलावा जो है इसके साइड पे ये लिखा हुआ है कि जब भी आपने इसको अपने स्ट्रेच मास्क पे यूज़ करना है तो आप प्रेगनेंसी के जो है दौरान ही इसको यूज़ करना शुरू कर दें ताकि आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। उसके बाद जो है इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं और अब मैं इसको ओपन करके अंदर से दिखाती हूँ कि ये ऑयल अंदर से कैसा है। तो मैंने जैसे बताया था कि इसकी ट्रांसपेरेंट बॉटल है और इसके अंदर जो ऑयल है वो ऑरेंज सा नज़र आता है, लेकिन जब आप इसको बाहर निकालते हो ऑयल को तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसका कोई भी कलर नहीं है। तो ये ऑयल जो है आपको कम अज़ कम 3 मंथ्स के लिए रेगुलर यूज़ करना है, दिन में 2 दफ़ा, क्योंकि इस ऑयल का आपको 1 या 2 मंथ में रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। 1 मंथ में आप अगर इसको 3 मंथ रेगुलर यूज़ करेंगे तभी आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा और आपने इसको दिन में 2 दफ़ा ज़रूर अप्लाई करना है। अब इसके अंदर की पैकेजिंग की बात की जाए तो इसके अंदर भी जो है वो सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं और इसकी एप्लीकेशन लिखी गई है, प्रिकॉशंस लिखे गए हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो। तो आपने जो है ये थोड़ा सा ऑयल लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा लेना होता है। मैं तो 3 से 4 ड्रॉप्स लेती हूँ, तो आपने इतना ही लेके इसको अपने फेस पे और नेक पे लगा लेना है या जहाँ जहाँ आपको एक्नी स्कार्स या अनइवन स्किन टोन या स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है आप इसको वहाँ पे अप्लाई करेंगे और हल्का मसाज करेंगे। आप इसको सर्कुलर मोशन में 2 से 3 मिनट तक मसाज करेंगे, थोड़ी देर के बाद ये आपकी स्किन पे अब्सॉर्ब हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर लेगा। तो आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। इसका रिज़ल्ट आपको 3 मंथ के अंदर अंदर मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी चाहते हो रिज़ल्ट तो वो नहीं होगा, इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है लेकिन ये बहुत स्लो वर्क करता है। इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे। तो इसका एज कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वो इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये ऑयल जो है वो स्किन पे ऑयली लगता है तो शायद उनको इस वजह से ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। तो ऑयली स्किन वाले इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो भी इसको अवॉइड करें। मैंने इसको 1 मंथ यूज़ किया है, मुझे थोड़ा सा रिज़ल्ट नज़र आया है, लेकिन इसका रिज़ल्ट आपको 3 से 4 मंथ में ही नज़र आता है। तो मैं इसको रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो ले सकते हैं क्योंकि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस और पिक्चर्स अपलोड करती हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।